Hi guys, wish you a very very good morning. This is me and Shijoshi, and you are watching me on the channel for TYS. So it is 19th May today. Aaj Tuesday hai, it is 19th May. Lockdown ka fourth phase chal raha hai. And here we are going to start today's news analysis. So the first news is India's virus tally cross 1 lakh, fatality count mounts to 3,157. मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया में वायरस का जो की जो मात्रा है, इन्फेक्टेड पर्सन्स की जो रेट है, वो करीब 1 लाख से ज़्यादा जा चुकी है. 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं हम कोविड 19 के रिकॉर्ड केसेस में. एंड 5,079 न्यू केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं. और मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम काउंट्स जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात से आ रहे हैं. टॉप पे अभी महाराष्ट्र है जिसमें मैक्सिमम केसेस देखने को मिले हैं. उसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु सेकंड पे है और गुजरात थर्ड पोजीशन पे है. ओके, सो न्यू इन्फेक्शंस लास्ट हम कह सकते हैं 24 आवर्स में जो न्यू इन्फेक्शन केसेस या न्यू केसेस जो दर्ज किए गए हैं वो 5,079 हैं. और हम लोग 1,07,134 केसेस अब तक रिकॉर्ड कर चुके हैं. सो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है. लॉकडाउन का जो है एक्सटेंड होने के साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टार्ट होना, काफ़ी एरियाज़ का ओपन होना और इस तरह कंटिन्यू केसेस को का बढ़ना अपने आप में हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है. अगर इंडिया की बात करूँ तो एवरेज न्यू केसेस 4,077 बता रहे हैं. उसके अलावा डबलिंग जो टाइम है हमारे इंडिया का वो 13.5 है. अदर देन दिस, टेस्ट पर पॉजिटिव केस इन मिड मे तक जो है, मिड मे में टेस्ट जो है पॉजिटिव किए गए हैं, पर पॉजिटिव केसेस पर जो टेस्ट किए गए हैं 23 हैं. और उसके अलावा चेंज सिंस मिड अप्रैल तक जो से अब तक जो चेंजेस आए हैं वो इंडिया के अंदर -2.0% पर है, -2.0 जो है काउंट्स पर है. हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है. ऑटोमेटिकली इट इज़ अ वेरी हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन या चिंता का विषय है, क्योंकि कंटिन्यूसली केसेस राइज अप करते चले जा रहे हैं. उसी बीच में जब केसेस अपने पीक पर हैं उस समय हम कह सकते हैं लॉकडाउन का ओपन होना या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ओपन होना. लॉकडाउन का ओपन होना इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ओपन होना. सो वो अपने आप में एक टेंशन क्रिएट करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये केसेस और ज़्यादा बढ़ जाएं. इसलिए ज़रूरत है कि जो सुपर स्प्रेडर्स है उस क्षेत्र में कार्य किया जाए सरकार द्वारा. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज ICMR रिवाइजेस टेस्ट स्ट्रेटजी. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंडे को कोविड 19 की एक टेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो रिलीज़ की है, जिसके अंदर सारे इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड सिम्टोमेटिक इन्फ्लुएंजा जो है, जैसे कि इलनेस है इंडिविजुअल की या पहले कोई हिस्ट्री रह चुकी है, ट्रैवल हिस्ट्री इंटरनेशनल, तो वो सारी चीज़ों को दर्ज करते हुए टेस्ट ट्रायल्स लिए जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फेल्स टू शील्ड मंकीज़ फ्रॉम वायरस. मैं आपको बता देती हूँ कि हाई प्रोफाइल पोटेंशियल वैक्सीन बनाई गई थी जो कि जिस पर ट्रायल चल रहा था, और वो जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है ये फेल हो गई है मंकीज़ को इस वायरस से शील्ड अप करने के लिए, मतलब बचाने के लिए. तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रोसीजर होता है किसी भी वैक्सीन को टेस्ट आउट करने का, एक प्रोसीजर होता है. पहले उसे रैट्स पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में उसे मंकीज़ पे टेस्ट किया जाता है, फिर वो ह्यूमंस पे अप्लाई की जाती है. ओके, सो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं उसमें सेकेंड जो मिड का जो स्टेप है वो ये वैक्सीन फेल कर गई है. ये कोविड 19 से संबंधित जो है एक टेस्टिंग थी और उसके तहत ये वैक्सीन फेल हो चुकी है. बट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम निमोनिया, टेस्ट टू कंटिन्यू. ये टेस्ट कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि इस टेस्ट से या इस वैक्सीन से जो है निमोनिया को बचाया जा सकता है, ऐसा इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है. ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रायल था ये जो कि फेल हो चुका है कोविड 19 पर, बट इट इज़ सेड दैट ये निमोनिया से आपको बचा सकता है और इस पर अभी भी टेस्ट कंटिन्यू है. ओके,
द नेक्स्ट न्यूज़ इज ओडिशा वेस्ट बंगाल ब्रेस फॉर एम्फिन. एम्फिन इज अ साइक्लोन. ये एक तूफान है जो कि अभी रिसेंटली उड़ीसा वेस्ट बंगाल पर अटैक करने की कगार पर है. मैं आपको बता देती हूँ, सुपर साइक्लोन है और ये अभी बहुत बंगाल और बांग्लादेश जो है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों के कोस्टल एरियाज़ को इफ़ेक्ट करने का और उसकी वजह से वहाँ पे लैंडफॉल होने का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है एम्फन से. एंड ये एक स्टॉर्म है जो कि अब साइक्लोन का रूप ले रहा है, इवन सुपर साइक्लोन का रूप ले रहा है और पॉसिबल है कि आने वाले मतलब कुछ ही घंटों या कुछ हम कह सकते हैं कुछ दिनों में, एक दो दिन के अंदर ही यहाँ पे लैंड जो है लैंडफॉल होने की संभावना पूरी है इस साइक्लोन से. ठीक है, ये जो दावा किया गया है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है. एट प्रेजेंट एम्फिन इज़ जो है लोकेटेड जो है वो 7730 किलोमीटर साउथ ऑफ पैरादीप इन उड़ीसा. ओके, उड़ीसा के पैरादीप से 730 किलोमीटर साउथ की तरफ जो है ये जो एम्फिन है ये देखने को मिल रहा है. 7890 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट ऑफ डिगा इन वेस्ट बंगाल एंड 1010 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ खेपापरा इन बांग्लादेश. ओके, सो अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश बंगाल एंड उड़ीसा इसका पोजीशन बताई गई है यहाँ पे. और ये देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के कोस्टल एरियाज भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं. वहाँ पर भी पानी की जो स्पीड है या पानी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट देखने को जो है रफ़ एरिया देखने को मिल रहा है हमें वहाँ पे. ठीक है, तो पॉसिबली इट विल बी अ बिग हिट बट वी हैव टू टेक अवेयरनेस, वी हैव टू टेक मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स इट. और इससे रिलेटेड जो भी मेजर स्टेप्स है लाइक कोस्टल एरियाज को वैकेंट करने का और लाइफ्स को बचाने का, तो ये सारे पॉसिबल जो भी स्टेप्स है वो हमें लेने होंगे. ओके, सो हेयर इट इज़ अ गुड न्यूज़, एक बहुत इंटरेस्टिंग और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग न्यूज़ है. आउट ऑफ वर्क लेबरर्स जो है बिकॉज वो आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं तो एक नया जो है सर्विसेज लॉन्च किया है. अकॉर्डिंग टू इट एक यूनिक क्लीनिंग सर्विस है और मैं आपको बता देती हूँ, सैनिटाइजेशन का कार्य भी बहुत ज़्यादा चल रहा है जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है. लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि किसी पर्सन जो कि जॉबलेस हो चुका है उसने खुद से अपने लेवल पर सैनिटाइजेशन का वर्क स्टार्ट किया है. एंड इट इज़ सेड दैट ये जो ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इट सैनिटाइज करने के लिए कार का 50 रुपीज़ है एंड टू व्हीलर का पर व्हीकल जो है 20 रुपीज़ लिया जा रहा है. तो अपने आप में ये भी एक नया इनोवेशन है बिकॉज इस तरीके का कार्य अभी ज़रूरत में भी है और इस तरह का कार्य अभी लोगों को अगर प्रोवाइड करवाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करता है या लोगों को अगर दो वक्त का खाना प्रोवाइड हो पाता है इस तरह की एक्टिविटी से, सो इट इज़ अ गुड एक्टिविटी एट ऑल. ओके, ये पंजाबी बाग की बात है जहाँ पे दो लोग पीपी किट में दिखाई दिए, ये सूट वेयर किए हुए थे. ओके, और टू व्हीलर के पास खड़े हुए थे, एक पोस्टर लिए हुए जिस पर लिखा था सैनिटाइजेशन 50 रुपीज़ एंड टू व्हीलर जो है वो 20 रुपीज़. ओके, सो कहीं ना कहीं इट इज़ अ गुड आइडिया टू गो फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बिकॉज अभी हमारी जो कंडीशन है उसको देखते हुए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माइग्रेंट्स को करने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप्स जो है वो माइग्रेंट्स को लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. ओके, अपनी अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड. एक और जो गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है, गुड न्यूज़ इट मीन्स इनोवेटिव सम इनोवेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च की गई है जयपुर में. न्यूली बॉर्न बेबी जो है, न्यू बॉर्न्स जिसे हम कह सकते हैं, उनका लंग ट्रीटमेंट के को लेकर है ये. तो लीज़ा ने प्रोसीजर जो है अपनाया, लीज़ा प्रोसीजर जो यहाँ अपनाया गया है वो एनकरेज करता है रिजल्ट्स को. देखिए, अभी रिसेंटली मेडिकल टेक्निक दैट इज़ लीज़ा दैट लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन लीज़ा. ओके, सॉरी मॉर्निंग टाइम में आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है. लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ लीज़ा हैज़ बीन स्टार्टेड एट जम्मू कश्मीर, सॉरी जेके लॉन
गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हेयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एमंग प्रीमेच्योर बेबीज। प्रीमेच्योर बेबीज को रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन से रिलेटेड इश्यूज या लंग डिजीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस टेक्निक को इनोवेट किया गया है, इस टेक्निक को लॉन्च किया गया है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्रीमेच्योर बेबीज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स। देखिए जनरली क्या होता है, हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिट किए जाते हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम केसेस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं लंग्स से रिलेटेड इश्यूज, इन्फेक्शंस या कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज, लंग डिजीज से रिलेटेड। तो इस तरह के इश्यूज को क्लियर वाइप आउट करने के लिए या इस तरह के इश्यूज को वाइप आउट इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ट्रीट करने के लिए इस तरह की टेक्निक को यूज़ लिया जा रहा है या लॉन्च किया गया है जयपुर में। ओके, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दीज न्यूज़ आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हमें डिस्कस करें। देखिए ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम द पावरलेस, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे आर्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। पॉसिबली एक बार में आपको ना समझ आए बट दूसरी बार में तीसरी बार में ट्रायल मेक यू मैन मेक अ मैन परफेक्ट। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, ट्रायल करेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू नो दिस आर्टिकल और अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। ओके, सो यू आर गोइंग टू डू इट योर सेल्फ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, रिलीफ की को लेकर जो है मैटर के बारे में बात की गई है यहाँ पे। सो स्ट्रैटेजी टू प्रमोटिंग सप्लाई विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड may force a relook later. With the announcement of the final tranche of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the COVID-19 relief package, a pattern of the government's approach is visible. Government किस तरीके से कार्य कर रही है वो हम स्पष्ट रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो different relief packages जो है relief packages जो announce किए गए हैं, जो 5 tranche में announce किया गया है, उससे हमें पता चल रहा है कि सरकार किस क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करना चाह रही है। ओके, एंड दैट इज़ टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश बाई बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन ईजी टर्म्स। ईजी टर्म्स में कैपिटल अनाउंस कर जो अवेलेबल करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं सप्लाई साइड को पुश करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ उठाई गई है, और जैसे कि इनकम वेजेस इन सारी चीज़ों को भी स्कीम्स के थ्रू मिनिमम लेवल पर सपोर्ट मिलते हुए भी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एम्पावर किया जा सके। एंड अदर देन दिस फार्मर्स वर्कर्स बिजनेसमैन सभी को फाइनली देखिए सभी को जो है इस क्षेत्र में सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीप द डैमेज टू द फिस्कल एज लो एज पॉसिबल। द फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ द 20 lakh crore रुपीज़ पैकेज is estimated by economists as between 2-3% of GDP, and that includes drawal of from provisions already made in the budget for this fiscal. इस फिस्कल इम्पैक्ट की जो बात करें, अगर 20 lakh crore का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसका अगर एस्टिमेट लगाया जाता है इकोनॉमिस्ट द्वारा तो वो GDP का करीब 2-3% के बीच है। एंड इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर वो सारे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर किया जाता है जो कहीं ना कहीं फिस्कल को इफेक्ट करते हैं या हम कह सकते हैं बजट बनाने में हेल्प करते हैं। द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट इज लिक्विडिटी सपोर्ट सो दैट बिजनेस कैन क्रैंक अप अगेन। देखिए मैक्सिमम जो पिलर देखा जा रहा है इस पूरे पैकेज का वो लिक्विडिटी सपोर्ट पर देखा जा रहा है, जिससे कि क्या हो सके बिजनेस वापस से अपने पैरों पे आके खड़ा हो सके, बिजनेसेस जितने भी हैं उनको वापस अपनी नॉर्मलाइज एक्टिविटीज़ में लाने की कोशिश किया जा सके। ओके, एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन, वापस से इकोनॉमिक साइकिल जो है उसे वापस से अपने मोशन में लाया जा सके इसलिए जो है इस तरह का पैकेज बनाया गया है जिसमें लिक्विडिटी को बेस बनाया गया है। द ऑप्शन ऑफ द डिमांड साइड स्टिमुलस थ्रू द रीस्टोर टू डेफिसिट फिनेंशियल सीम्स टू बी रिजर्व फॉर अ फ्यूचर डेट इन द इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड और अ सेकेंड वेव बिगिन प्रॉम्प्टिंग अनदर लॉकडाउन। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट देयर इज अ डेस्परेट नीड ऑफ डिमांड स्टिमुलस नाउ। देखिए मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ
ये जो पॉलिसी है, ये जो पैकेज बनाया गया है, इसके तहत सरकार के कुछ जो हम मैं कह सकती हूँ पॉलिसी, जितना मुझे समझ में आया, आई एम ऑल्सो इकोनॉमिक स्टूडेंट, तो मैंने पूरा जहाँ तक पैकेज को और उनके रिलीफ फंड को, बजट्स को, सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में, इवेल्यूएट करने के बाद, ये समझ में आता है कि सरकार की कोशिश है कि वो डिमांड रेज करें। जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, तब सरकार को ये पता है कि सप्लाई भी बढ़ेगा। सरकार द्वारा या बिजनेसेस द्वारा, फार्मर्स द्वारा जो है सप्लाई भी बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ाने का कार्य है सरकार का। तो सरकार का ये जो पूरा पैकेज है वो बेस्ड है डिमांड और सप्लाई का। सरकार ने जितने भी स्टिमुलस पैकेज में जो भी ट्रेंच जो ऑर्गेनाइज किए हैं, जो भी पॉलिसीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, वो सब कहीं ना कहीं रिलेट करती है डिमांड से। बाहर से पैसा न कैरी करना पड़े, और उसके अलावा जो और कोई एफर्ट्स लगाने की बजाय हमें अपनी इकोनॉमी को खुद से स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी पॉलिसीज अपनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंसी को जो है बढ़ा देती है, या मैं कह सकती हूँ कि खुद के ऊपर निर्भर रहने की प्रक्रिया को हम मैं कह सकती हूँ बूस्ट अप करती है। हमें बूस्ट करती है कि हम खुद पर निर्भर रहे हैं, और इसीलिए देश के इन हाउस जो है, जितने भी प्रोडक्शन हो सकते हैं, जितने भी मैनेजमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस पैकेज को अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट इज़ अ गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट। द सेंटर्स प्रॉब्लम इज़ दैट इट्स रेवेन्यू आर अ फ्रैक्शन ऑफ वॉट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन, बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप अ फिस्कल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड इन टू द ओवरऑल पैकेज। देखिए, सबसे बड़ी जो सेंटर की प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू जो कलेक्ट होते हैं वो अभी उनका आंकड़ा सही नहीं है। एज़ वी ऑल नो कि टैक्सेस से, और सारा मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होता है, और टैक्सेस में भी सरकार को बहुत छूट मिली है इस क्षेत्र के अंदर, टैक्सेस के अंदर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुत कुछ सफ़र करते हुए भी अगर इस तरह का पैकेज लेकर आती है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी अच्छा पैकेज है, और बिल्कुल इस पैकेज के अंदर खुद के फिस्कल जो है स्टिमुलस है उनको पूरा फिट करने की कोशिश की गई है इस पैकेज में। आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग टू बी सेड ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ कटिंग टैक्सेस एंड राइडिंग ऑन द एंसुइंग कंजप्शन बूस्ट दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज टू कंपेंसेट फॉर द कट। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल एंड इन इंक्रीजिंग द बजट ऑफ मनरेगा ऑफ 2/3। मैं आपको बता देती हूँ, मनरेगा से संबंधित जो है कार्यवाही शुरू कर दी गई है, कार्य शुरू कर दिया गया है। सबसे पहला जो स्टेप है गवर्नमेंट का इकोनॉमी के प्रति, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, रिबूट करने के लिए, तो वो स्टेप रहा है मनरेगा। मनरेगा इज़ अ स्कीम, या मैं कह सकती हूँ एक अभियान है, जिसके तहत जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। 100 डेज का रोजगार गारंटी अधिनियम है ये, जिसके तहत 100 दिन जो है उस व्यक्ति को रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। पर डे का मिनिमम जो वेजेस है वो पे किया जाएगा, और से 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम ये देती है, रोजगार उपलब्ध करवाती है। ओके, सो इट इज़ अ गुड स्कीम एट ऑल। सो सबसे बड़ा जो बजट का पार्ट है, 2/3 पार्ट जो है वो मनरेगा ही कवर कर लेता है। इसके अलावा अदर जो है 40,000 करोड़ रुपीज़, अदर जो है एडिंग अनादर 40,000 करोड़ रुपीज़ विथ माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, क्योंकि माइग्रेंट्स अपने अपने विलेजेस में जा चुके हैं, अब अपने अपने घर को जा रहे हैं, उनके लिए मनरेगा बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वो अपने घर पर रहकर, अपने एरिया में रहकर इस तरह का जॉबफुल वर्क, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है अपना, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड बट विथ क्लियर रिफॉर्म माइल स्टोन्स दैट दे हैव टू मीट। इट remains to be seen if states are enthused to fall in line. The government has also used the opportunity to unleash some much needed reforms in agricultural market. Marketing open up more sectors for private participation. देखिए, मैं आपको बता देती हूँ,
अभी जो बजट पैकेज जो है, स्टिमुलस पैकेज जो लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा, उसमें मैक्सिमम लेवल पे कोशिश की गई है उन क्षेत्रों को कवर करना जहाँ पे डिमांड बूस्टअप की जा सके और सप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट्स द्वारा की जा सके। ओके, उसी के साथ में मनरेगा को शुरू किया गया है जो कि एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, तो एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस किया गया है। थर्ड जो चीज़ यहाँ पर फोकस की गई है वो ये की गई है कि एग्रीकल्चर मार्केट को जो है ओपन किया गया है, उसके लिए कार्यवाही है, बहुत अच्छी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। एंड फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम लेवल पे प्राइवेटाइजेशन का प्रावधान रखा गया है ना। तो जितने ज़्यादा लेवल पे प्राइवेटाइजेशन होगा, जितने ज़्यादा लेवल पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जितने ज़्यादा लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और जितना ज़्यादा जो हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन होगा, मैक्सिमम लेवल पे लिक्विडिटी जनरेट होगी, और लिक्विडिटी जनरेट होने पर हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आने के 100% चांसेस बनते हैं। ओके, हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली विल हैव टू बी वॉच्ड। अब इनमें से ये जो पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, ये जो पूरे स्कीम्स अनाउंस की गई है, ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, अब इसके तहत कितने लोग, कितने कितनी स्कीम्स ऐसी है जो बिल्कुल सही से वर्क कर पाती है और हमें कितना आउटपुट देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो जो भी फीचर्स हमें यहाँ दिए गए हैं, जो पैकेज अवेलेबल करवाया है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी रिलीफ देने वाला है। इन सम द पैकेज हैज़ सेवरल नोटेबल फीचर्स, नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19। और डेफिनेटली ये भी एक फैक्ट है कि कोविड-19 से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फीचर्स नहीं मेंशन किए गए हैं। आई मीन हेल्थ से रिलेटेड या कोविड-19 को मेंशन करते हुए कोई भी पर्टिकुलर जो हम एक्टिविटी जो है उसको अनाउंस नहीं की गई है, बट स्टिल काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कोविड-19 की इस परिस्थिति से उभरने के लिए ही अनाउंस की गई है। ओके, सो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सिचुएशन लेकर आएगा, एक अच्छा दौर लेकर आएगा, और सरकार द्वारा किए जाने जा रहे ये जो प्रयास है, जिससे कि सरकार को जो बोरो ना करना पड़े, बाहर से पैसा उधार ना लेना पड़े, या वैसे भी अपने इन हाउस भी जो है बोरो ना करना पड़े अदर डिपार्टमेंट से, इसके तहत सरकार द्वारा ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक हमें कह सकते हैं कमेंडेबल वर्क है। इट इज़ सच अ वेरी नाइस वर्क टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ओके, इफ़ द स्ट्रैटेजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स, इट इज़ फाइन। अगर ये स्ट्रैटेजी जो है बूस्टिंग सप्लाई बूस्टअप करने की, अगर ये काम कर जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बट इफ़ इट डजेंट, लेकिन अगर ये पॉलिसी वर्क नहीं करती है, द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद अ बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन। अभी जिन तरह की प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ सकती है। बिकॉज काफ़ी सारे पैकेजेस अनाउंस कर देना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी इस पैकेज के तहत अनाउंस किया गया है। अब अगर सरकार को इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा, इन सारे स्टेप से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो सरकार के लिए आने वाली सिचुएशंस को हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फेकिंग डेंजर। मैं आपको बता दूँ कि ये आर्टिकल है, अभी रिसेंटली फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। हम कोविड-19 के दौर में मैक्सिमम लेवल पे हमें फेक न्यूज़ का सामना करना पड़ा, इवन इतना कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सी रियल न्यूज़ है। ओके, यूज़ ऑफ सेडिशन लॉ, तो उसी के तहत सरकार द्वारा एक लॉ जारी किया गया, एक कानून जारी किया गया, जिसके तहत जो भी जो इनकन्वीनियंट रिपोर्ट पेश करता है या इस तरह की फेक न्यूज़ को एक्सपोज करने की कोशिश करता है या फेक न्यूज़ स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ओके, और इसी के तहत काफ़ी जर्नलिस्ट जो है इस कोविड-19 के दौर में ऐसी कुछ उन्होंने घटनाएं घटित की, ऐसे कुछ र्यूमर्स स्प्रेड किए, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स पेश की, जिसके तहत उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया। द रीजंस गिवन बाय द पुलिस अक्रॉस इंडिया फॉर अरेस्टिंग रिपोर्टर्स को अरेस्ट करने का जो रीज़न पुलिस द्वारा दिया गया है,
पूरे भारत में, एंड एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर न्यूज़ पोर्टल और जो रिपोर्टर्स के साथ साथ जो न्यूज़ पोर्टल के एडिटर्स को भी अरेस्ट करने का जो हम कह सकते हैं रीज़न दिया गया है पुलिस द्वारा ऑल ओवर इंडिया, दैट स्पेशल प्रोविजंस इनेक्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स ड्यूरिंग डिजास्टर आर बींग यूज टू सप्रेस रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड पॉसिबल गवर्नमेंटल करप्शन. तो इसके तहत कोशिश की गई है पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो र्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएँ घटित हुई है आज तक की हिस्ट्री में र्यूमर्स से, और इससे भी होने की संभावना है. ओके, तो सरकार द्वारा इस करप्शन को रोकने के लिए एक पॉसिबल स्टेप उठाया गया है. द मोस्ट एग्रेरियस केस इन्वॉल्व्स अ क्रिमिनल प्रोविजन द गवर्नमेंट्स इनवेरिएबली फॉल बैक अपॉन द सप्रेस्ड डिसेंट द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल. मैं आपको बता देती हूँ, एडिटर हैं ये. तो गुजरात में न्यूज़ पोर्टल के जो है ये धवल पटेल एडिटर हैं, और इन पर एक सीरियस चार्ज लगा है सेडिशन का. ये अपने आप में एक शॉकिंग इंस्टेंस है, जिससे कि ये शो करता है कि इन्होंने मिसयूज़ किया है क्रिमिनल लॉज को, जिससे कि जर्नलिस्ट का जो काम है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट हो रहा है इन सारी चीज़ों से. द केस कंसर्न्ड एन आर्टिकल स्पेक्यूलेटिंग दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी मे बी रिप्लेस्ड बाई दी बीजेपी फॉर हिज. देखिए, उन्होंने इस आर्टिकल में, इस एडिटर द्वारा क्या लिखा गया था कि विजय रूपानी जो हैं, जो कि लीडर हैं वहाँ के बीजेपी के, उनको ज़रूर ये पॉसिबल सॉरी स्टेट चीफ मिनिस्टर है ये, और ऐसा हो सकता है कि उन्हें बीजेपी के लीडर द्वारा, बीजेपी द्वारा जो है उनकी जगह ले ली जाए और उन्हें जो है पद से हटा दिया जाए. तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना, अपने इवन उन्होंने रिपोर्टर जो थे उन्होंने नेम भी अनाउंस कर दिया था कि इनके बाद किसके आने की संभावना है, कौन जो है आ सकता है, ऐसे प्रेडिक्शंस भी उन्होंने दे दिए थे. सो अपने आप में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू स्प्रेड दीज टाइप ऑफ र्यूमर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्पेक्यूलेशन इज ट्रू. ऑफन टाइम द सोर्स ऑफ सच स्पेक्यूलेशन इज अ disgruntled section of the ruling party itself, and it is excessive to punish reportage with inadequate verification with arrest and prosecution of sedition. तो इस तरह का जो चार्ज है, मिस्टर पटेल को सेक्शन 454 के तहत, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो सेक्शन 54 है उसके तहत भी उन पर चार्ज लगाए कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देकर डिज़ास्टर से रिलेटेड जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स अलार्म जो है स्प्रेड करने की कोशिश की, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की. ये ऐसा इल्ज़ाम इन पर पहले भी लग चुका है, और अब ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं मैटर सामने आए हैं. तो देखिए, इस तरीके से बहुत सारे आज तक ऐसे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अनगिनत केसेस हुए हैं, अनगिनत र्यूमर्स जो है आज तक स्प्रेड हुए हैं, और हमने बिल्कुल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, उसकी जो उसके कारण होने वाले जो प्रभाव हैं उनको काफ़ी हद तक हमने देखा है, है ना. एंड बिल्कुल हमने काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड नोट की है, और उसी के तहत सरकार द्वारा इस तरह सेडिशन लॉ का फैसला लिया गया है. द कंसर्न इज़ नॉट मिसप्लेस्ड इन द आंध्र सॉरी अंडमान्स द रिपोर्टर वॉज अरेस्टेड. अंडमान में एक रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट क्लेमिंग पीपल हु हैड कॉन्टेक्टेड अ COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट ओवर फोन वर ऑल्सो बींग क्वारंटाइंड. तो वो एक जो है पर्सन अंडमान के अंदर रिपोर्टर हैं, उन्हें भी इसी COVID-19 से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, तो इस इनके ऊपर ये क्लेम था हु हैव कॉन्टेक्टेड अ COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट. उन्होंने COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट जो था उससे कॉन्टेक्ट किया था ओवर फोन वर ऑल्सो बींग क्वारंटाइन, और उन्हें भी और उन्होंने क्वारंटाइन होने की बात कही थी उसके ऊपर, इसलिए उन्हें भी इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशंस जो है कैरी करने या इवन स्प्रेड करने के लिए, कैरी करना इज़ नॉट अ बिग डील, आप स्प्रेड कर रहे हैं इस तरह के र्यूमर्स को तो डेफिनेटली यू विल गेट
पनिश फॉर इट. ओके, इन कोयम्बटूर कोयम्बटूर में भी ऐसा ही कोई मुद्दा सामने आया जिसके तहत पुलिस अरेस्टेड अ न्यूज पोर्टल फाउंडर फॉलोइंग अ रिपोर्ट ऑन एलेक्ड करप्शन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एज पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट टू हैंडल द फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक. पेंडेमिक के कारण जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड करप्शन का मामले को लेकर कुछ रिपोर्ट पेश करने के कारण इस न्यूज़ पोर्टल को भी अरेस्ट कर लिया गया. कोयम्बटूर का मुद्दा है ये. इसी तरीके से दिल्ली में भी एक रिपोर्टर जो है उसे गलत रिपोर्ट पेश करने ऑडियो क्लिप जो है तबलीगी जमात के नाम पे एक ऑडियो क्लिप ऐसा पेश किया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि तबलीगी जमात के हेड जो है उसका स्पीच है. तो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशंस जो स्प्रेड करने के कारण उस पर्सन को भी रिपोर्टर को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया. तो इस तरह से बहुत सारी समन किया गया उसे. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं मैटर सामने आते हैं जिसमें ऐसे र्यूमर्स रिपोर्टर्स द्वारा मीडिया द्वारा फैलाए. देखिए मीडिया अपने आप में आज की डेट में एक बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है जिसके अंदर हम कह सकते हैं नेगेटिव जो है फीडबैक ज़्यादा देखने को मिलते हैं पॉजिटिव की. इवन वी ऑल नो दैट दीज आर जस्ट र्यूमर्स. न्यूज़ रिपोर्टर्स या मीडिया जो पेश करती है वो अपने आप में आजकल एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देने वाली बातें होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिलायबल न्यूज़ एडिशंस होते हैं, काफ़ी रिलायबल न्यूज़ पेपर्स होते हैं जो कि अपने आप में बहुत लॉयल होते हैं और बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें हम तक पहुंचाते हैं. लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाना जो हमें डिस्टर्ब कर देती है या लोगों को डिस्टर्ब कर देती है, पर्टिकुलर रीजन डिपार्टमेंट कास्ट किसी को भी अगर इफ़ेक्ट करती है और उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, नेगेटिव जो फॉर्मेशन होता है नेगेटिव थाट्स का, तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड बिकॉज उसके कारण काफ़ी सारे लोगों के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है ना. सो लेट्स सी ये सर देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह के कोई भी अगर जो रिपोर्टिंग केसेस या मीडिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ सामने आती है तो वो उसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर ठीक है कंसर्न मैटर होता है और सरकार द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए जाते हैं. लेकिन इस पेंडेमिक के दौर को आड़ में पेंडेमिक को आड़ में लेते हुए गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना अपने आप में और भी एक संगीन जुर्म के अंदर आता है. ओके, द नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इज नॉट जस्ट टू गेट डिस्कस्ड, इट इज़ जस्ट अबाउट अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी कांट प्लीज अंडर लॉकडाउन, इस तरह का जो है आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे कि अकाउंटेबिलिटी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसको जो है लॉकडाउन के अंदर. अकाउंटेबिलिटी कांट बी प्लीज्ड. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द पेंडेमिक, उससे होने वाली सिचुएशंस, लॉकडाउंस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की गई इस आर्टिकल में. यू कैन गो थ्रू इट, आपको इजीली समझ में आएगा. माइग्रेंट से रिलेटेड है बेसिकली. ओके, सो यू विल गेट इट. सो हमने कोशिश की कि हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करें और आज हो सकता है कि काफ़ी फंबल भी हुई हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच वेल, बट इट्स ओके. मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम लेवल पे आप तक न्यूज़ पहुंचा सकूं एंड आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कल सॉवरेन बॉन्ड्स पे और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मुझ तक पहुंची. तो थैंक यू सो मच टू गेट पार्टिसिपेटेड. एंड आज के लिए आपका जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी वो रिलेटेड है पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशंस, आफ्टर पेंडेमिक, या हम कह सकते हैं कि अब क्योंकि लॉकडाउन्स ओपन हो रहे हैं मतलब पार्शियली एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एंड आफ्टर अ फ्यू हम कह सकते हैं डेज लॉकडाउन विल आल्सो बी ओपन. तो पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशंस को आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें आफ्टर पेंडेमिक जो है देखनी पड़ सकती है या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आफ्टर पेंडेमिक हमें जो है सॉर्ट आउट करनी पड़ सकती है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज हमें हैंडल करने हो सकते हैं. तो वो कुछ जो सिचुएशंस है आप मेरे साथ में शेयर करेंगे. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि कौन सी सिचुएशंस है जो पोस्ट पैंडमिक सिचुएशन पोस्ट पैंडमिक जो है पैनिक क्रिएट करने का काम करेगी. ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.